If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be. Hi guys, this is Pradeep Bamgai from CG Cubs. और आज हम बनाने वाले हैं ये वाला हार्ड सरफेस मॉडल। तो जैसे आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल मॉडल है, तो इसके लिए हम सिमेट्री ही यूज़ करेंगे। और जो हम इस अप्रोच लेंगे इसे मॉडल करने के लिए, वो ये है कि इसको हम देखिए, पहले अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। मतलब अगर हम केवल इतना इधर मॉडल करें और इस सरफेस को फिर दूसरी तरफ मिरर कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा काम। और ऐसे ही अगर हम फिर इसको आधे में काट दें तो ये वाला पार्ट भी सिमेट्रिकल है इसके। तो हम क्या करेंगे, हम केवल इतने पार्ट को मॉडल करेंगे, फिर हम एक सिमेट्री ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उससे हम ये दूसरा वाला हिस्सा मिरर कर लेंगे, और फिर एक और सिमेट्री ऑब्जेक्ट से हम ये पूरा का पूरा हिस्सा मिरर कर लेंगे। तो हमें केवल इस ज्योमेट्री पे काम करना है और हमको चाहिए दो सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्लेन ऑब्जेक्ट, लाइंस मोड को इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट मैनेजर में ऑब्जेक्ट टैब में विड्थ लेंगे हम 798, हाइट लेंगे 443, विड्थ सेगमेंट्स को लेंगे 5, हाइट सेगमेंट्स को लेंगे 5। और अब हम आ जाते हैं टॉप व्यूपोर्ट में। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं एडिटेबल पॉली में इस बटन पे क्लिक करके। उसके बाद हम आते हैं एजेस मोड में। ओके, तो अब हमें केवल इतना हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने पॉलीगन्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को तो आप कैसे काटेंगे, आधा आधा, ढाई ढाई हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ढाई कर लेते हैं, और उसका तरीका ये है कि हम इन सब एजेस को सेलेक्ट करते हैं। मैं ऑल डी प्रेस करके अपना गिज्मो ऑफ कर रहा हूँ, फिल्टर में जाके आप कर सकते हैं, और मैं वर्क प्लेन को भी ऑफ कर रहा हूँ। और ये जो वर्ड एक्सिस होती है, ये भी बड़ी इरिटेटिंग सी होती है कभी कभी, तो इसको भी आप जाके यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एजेस मैंने सेलेक्ट की हैं। अब मुझे प्रेस करना है MM, या फिर यहाँ से जाके कॉन्टेक्चुअल मेन्यू से मैं ले सकता हूँ कनेक्ट पॉइंट्स एजेस। ठीक है, अब ये जो आधा हिस्सा है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये वाला पॉलीगन्स लेंगे और ये वाले पॉलीगन सेलेक्ट करिए, प्रेस करिए डिलीट। ओप्स, डिलीट हो गए। उसके बाद फिर से यहां पे है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पॉलीगन्स। फिर से हमें बंटवारा करना होगा इधर, तो एजेस मोड में ये वाले सेलेक्ट करिए और फिर से कनेक्ट कर दीजिए इनको, और फिर ये जो हैं इनसे मुक्ति पा लीजिए, आप भगा दीजिए इनको, डिलीट कर दीजिए पॉलीगन्स को। ठीक है, अब जो हमारा ओरिजिनल प्लेन था जब हमने ये काट पीट शुरू की, उससे पहले अब हमें उसी स्टेज तक जाना है। और उस स्टेज पे जाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक सिमेट्री ऑब्जेक्ट। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और सिमेट्री पे क्लिक करेंगे। देखिए, क्योंकि जो मिरर प्लेन है वो GY है, देख रहे हैं, तो अपने आप इधर ये कॉपी हो गया। अब हमें इस पूरी ज्योमेट्री को इस साइड कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक सिमेट्री ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑल्ट प्रेस करिए और लगाइए सिमेट्री, और यहाँ पे आपको प्लेन करना पड़ेगा XY, यहाँ पे देख सकते हैं XY प्लेन में हमें इसको मूव करना था, मूव नहीं, मिरर करना था। अब देखिए, ये हमारे पास ओरिजिनल है, एक से हमने, एक सिमेट्री ऑब्जेक्ट से हमने ये वाला जनरेट कर लिया मैश, और फिर दूसरे वाले से ये पूरा का पूरा इधर इसको मिरर कर लिया। अब आती है मॉडलिंग की बारी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कर्व है। ठीक है, तो हमें एक कर्व बनाना होगा। तो या तो आप कर सकते हैं कि कट लगाएं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कोई प्लेन चीज़ है, स्ट्रेट चीज़ है, उस पर आपने इस तरह से कट लगाएं, फिर आप इन पॉइंट्स को मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा,
तो कर्व की शेप आएगी। लेकिन एक टूल है सिनेमा 4D में जिसका नाम है पॉलीगन पेन टूल, स्प्लाइन पेन टूल नहीं, स्प्लाइन पेन टूल यहां पर है, यहां पे होता है पॉलीगन पेन टूल, ME इसका शॉर्टकट है। एजेस मोड में अब पहले आप एज सेलेक्ट कर लीजिए और पॉलीगन पेन टूल मेक श्योर एक्टिव रहे आपका, और एट्रीब्यूट मैनेजर में हमको क्रिएट सेमी सर्कल चेकबॉक्स को इनेबल करना है। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और जो सिलेक्टेड एज है उसके ऊपर आपको इवन सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी एज के ऊपर आप हो कंट्रोल शिफ्ट आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और जिधर भी आपको चाहिए सेमी सर्कल उस तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं। अब आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है, लेफ्ट माउस बटन को, लेकिन छोड़ना नहीं है, और फिर आप इसे ड्रैग करेंगे, मैंने होल्ड किया हुआ है अभी भी लेफ्ट माउस बटन, तो ये सब दिखाता है आपको, सब डिविजन्स दिखाता है, मतलब कितने वर्टिसेस इस आर्क पे चाहते हैं आप। तो हम चाहते हैं 2, तो मैं लेफ्ट की ओर ले जाऊंगा जब तक ये 2 नहीं डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा माउस को। तो मेरे पास अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं और ये जब हम स्मूथ करेंगे तो अपने आप सेमी सर्कल बन जाएगा, ओके। लेकिन ये करने से क्या हुआ है, थोड़ा हम यहाँ पे पहले जितना हमारा यहाँ है साइज लगभग उतना इधर भी बना लेते हैं पॉलीगन्स का, इन वाले पॉलीगन्स के साइज के बराबर। तो उसके लिए फिर से मुझे एजेस मोड में आना होगा, मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाली एजेस और फिर इनको करेंगे हम कनेक्ट। उसके बाद अब आप देखें तो यहाँ पे क्या बन गया है, एनगॉन बन गया। अगर आप फिल्टर में जाके एनगॉन लाइंस को ऑन करेंगे, ये देखिए ये लाइंस बता रही हैं कि यहाँ पे एनगॉन बन गया है, क्वाड नहीं है। तो अब हमें इसको क्वाड बनाना है, तो इसका सिंपल तरीका है वापस आप स्प्लाइन पॉलीगन पेन टूल लें और क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करें और फिर यहां से यहां क्लिक करें, ऐसे इधर से यहां पे और यहां से इधर। तो देखिए अब हमारे पास बन गए क्वार्ट्स, ये भी क्वार्ट है, ये भी क्वार्ट है, क्वार्ट 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 सब अच्छा है, ओके। अब देखिए अब हम ये पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं, अब हमको बनाना है वो जो उसमें हमारे मॉडल में ये जो इंडेंटेशन है नीचे की ओर, इसको हमें बनाना है। चलिए वापस चलते हैं अपने सीन की तरफ, देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक आते हैं ना चारों, इसके दोनों तरफ कभी कभी ऊपर नीचे भी आते हैं, ये आप अगर हटाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है आपका, जो रेंडर का रेजोल्यूशन है उसको आप स्क्रीन रेजोल्यूशन के बराबर बना लीजिए। तो कैसे करेंगे, ये बटन है यहाँ पर, कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं, एडिट रेंडर सेटिंग्स विंडो ओपन होगी, उसके बाद आप इस एरो पे क्लिक करिए आउटपुट, फिर आउटपुट का ये जो एरो है स्क्रीन एडिटर रेजोल्यूशन, ठीक है, तो वो ब्लैक ब्लैक हट जाएंगे दोनों, ओके। अब देखिए अगर हम इसे ऐसे ही एक्सट्रूड कर देते हैं नीचे की ओर, वर्क प्लेन को भी मैं बंद कर देता हूँ, वर्क प्लेन, वर्ड एक्सिस और हैंडल्स, देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ नीचे तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है पोल, 1, 2, 3, 4, 5 ई पोल बन गया है, और ई पोल का मतलब है, और ई पोल है कहाँ पर, सीधा मेरी कंट्रोल एज के ऊपर, और ई पोल का मतलब है कि अच्छी खबर नहीं है आपके स्मूथ वर्जन के लिए, जो आपका आपकी ज्योमेट्री का स्मूथ वर्जन होगा उसके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर देगा क्योंकि ये कंट्रोल एज पे है। तो इसका एक तरीका है कि आप इसे दूर ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे या तो मूव करें कहीं और, लेकिन इतनी यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है मूव करने के लिए, तो आप सिंपल क्या करें इसका एक बार हम स्पिन करके देखते हैं इस एज को, देखिए क्या होता है, स्पिन एज सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम फिलहाल, है ना, एक तरीका ये है आपके पास कि हम इसको स्पिन कर लें। तो अब हमारे पास क्वाड है
और वो जो पांच वाला था वो अब यहाँ पहुंच गया, तो सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका होता है इसका कि हम इसको थोड़ा दूर धकेल दें यहाँ से, तो एक्सट्रूड करने से पहले देखिए हम इनर एक्सट्रूड भी नहीं कर सकते, एक बार इनर एक्सट्रूड करके देख लेते हैं। एक्सट्रूड इनर, इसमें क्या होगा, पोल तो दूर चला गया लेकिन यहाँ पे फिर ये एडिशनल ज्योमेट्री बन गई। यहाँ पे हमें खाली चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे वो जो ग्रूव बना हुआ है सरफेस में वो बनाना है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब हमारे पास तीसरा तरीका है, वो है स्लाइड एज का। तो ये मेरा पॉलीगन सिलेक्ट है, मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो मेरी सारी एजेस सेलेक्ट हो गई। अब मुझे ये वाली एज नहीं चाहिए सिलेक्शन में, और कंट्रोल के साथ हटा दूंगा, ये वाली भी नहीं चाहिए। और अब मैं लूंगा स्लाइड टूल और कंट्रोल प्रेस करने के साथ साथ मैं ड्रैग करूंगा अंदर की ओर। तो देखिए बहुत वर्सटाइल टूल है स्लाइड टूल भी। इससे क्या हुआ, मेरी कंट्रोल एज मिल गई, पोल मेरा दूर भाग गया कंट्रोल एज से, और यहाँ पे कोई एडिशनल ज्योमेट्री नहीं बनी, है ना, ये तो हमें वो डिलीट करनी पड़ती। तो अब बहुत आसान है काम, सेलेक्ट करिए इस पॉलीगन को और इसको एक बार, या हम बाद में कर लेंगे, पूरा ही नीचे ले जाइए, और ये जो एडिशनल पॉलीगन्स थे वो नहीं बनेंगे जो पहले आ रहे थे ये एक्सट्रूड इनर से, अभी नीचे चला गया है। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्चुअली एक्सट्रूड ऐसे करना था हमने, और ये वापस आ गया। अब हुआ क्या था, अभी दोबारा करके देखता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। ओके, पता नहीं, पर आप देखिए इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, ये एडिशनल पॉलीगन बनेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और अब ये वाली एज ले लीजिए, पूरा लूप, नीचे का पूरा लूप ले लीजिए, ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम सॉलिड बेवल। फिर लगा देंगे सब डिविजन सरफेस ऑब्जेक्ट, ये देखिए अब हमारा ये मॉडल रेडी है। तो देखा आपने सिमेट्री ऑब्जेक्ट ने कितना आसान किया काम हमारा, हमने केवल बस इतनी चीज मॉडल की है, इतना हमने मॉडल किया, फिर हमने एक सिमेट्री से उसको इधर कॉपी किया, फिर दूसरी सिमेट्री से उस तरफ कॉपी किया, और फिर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के हमने अपना फाइनल ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जब भी सिमेट्रिकल मॉडल हो आपके पास, सिमेट्री हो मॉडल में, तो कभी भी आपको रिपीटेटिव टास्क करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिपीट सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन, जस्ट यूज़ द सिमेट्री ऑब्जेक्ट टू मिरर सम पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री टू द अदर साइड। ओके, सो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमसे फेसबुक और ट्विटर के साथ भी, फेसबुक और ट्विटर पे भी हम हैं, वहाँ भी हमारे साथ जुड़ें, और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। ओके, थैंक यू।